हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन फैमिली। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन फैमिली, या मैं कह दूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 13th ग्रुप एलिमेंट, कि वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और कहाँ स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे बच्चों। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है द चार्ज एक्वायर बाय एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? सपोज बोरोन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, सो द चार्ज प्रेजेंट ऑन बोरोन इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन। क्या बोला मैंने बच्चों? मान लीजिए बोरोन कोई कंपाउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी के अंदर यूज हो रखा है हमारा बोरोन। अब वो बोरोन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा मेरा? वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी बच्चों। बात समझ में? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव टू सी एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सबसे पहले यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं, जैसे बोरोन की देख रहे हैं 2s2 2p1, एल्यूमिनियम की 3s2 3p1, इसी तरह गैलियम की 3d10 आ जाता है यहां पर d इलेक्ट्रॉन्स, फिर 4s2 4p1। उसी तरह मैं इंडियम की बात करूं तो 4d10 5s2 5p1, थैलियम की बात करता हूं तो 5d10 4f14 6s2 6p1। ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ चुके हैं। बात क्लियर है? तो अब मैं बात करूं, सो फॉर मेकिंग एनी कंपाउंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। आप सभी को पता है कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन जब हम कर रहे होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको यूज में लिया जाता है। दैट मींस सो हियर यू कैन सी दैट इन द केस ऑफ बोरोन द आउटर मोस्ट शेल इज एन इक्वल टू 2। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का आउटर मोस्ट शेल क्या है? यहां पर सेकंड शेल दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो थर्ड शेल दिखाई दे रहा है मुझे। गैलियम की बात करूं तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा बच्चों? फोर्थ शेल हो जाएगा मेरा। इंडियम की मैं बात करूंगा तो आउटर मोस्ट शेल मेरा फिफ्थ हो जाएगा। थैलियम की बात करूंगा तो आउटर मोस्ट शेल मेरा एन इक्वल टू 6 शेल हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है बच्चों यहां तक कि कौन सा शेल यूज में हो रहा है? अब मैं बात करता हूं, नाउ हाउ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ये तो देख लिया बच्चों आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, बट ये कैसे पता करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो उसकी शुरुआत करते हैं हम बच्चों बोरोन से। बात क्लियर है? सो फर्स्ट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट बोरोन रिमूव इट ऑल वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने बच्चों? पहली कंडीशन ये हो सकती है बच्चों बोरोन के अंदर कि जो बोरोन में आउटर मोस्ट शेल है, कौन सा है आउटर मोस्ट शेल? सेकंड शेल जो है मेरा, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर दें। क्या कर दें? सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, डोनेट कर देगा, दैट मींस बोरोन के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए बोरोन ने? बोरोन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। दैट मींस वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बात क्लियर है? अगर उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बोरोन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन ना दे, केवल और केवल जो 2p में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करें। बात क्लियर है? समझ में आई बच्चों बोरोन की बात? दैट मींस बोरोन हैव 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या क्या? एक हो सकती है अगर उसने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो +3, और एक हो सकती है कि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। बात क्लियर है? सिमिलरली इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के अंदर आप देख पा रहे हैं हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है। एक होती है +3 बच्चों, और एक हो सकती है +1। बात क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी में देख पा रहे हो वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक कौन से हैं? s2 वाले, एक है p1 वाले। तो अगर उसने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बच्चों। बात क्लियर है? अभी तक मैंने बात करी कि जो बोरोन फैमिली के कंपाउंड आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बात कर ली है। बात क्लियर है बच्चों? अब मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की बच्चों, कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके अंदर क्या होगी, कौन से एलिमेंट के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और कौन से एलिमेंट के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इससे हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को लेते हुए
ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेते हुए वो रिड्यूसिंग नेचर में, और वहां पर क्वेश्चन पूछने लग जाता है। तो एक बार आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गए बच्चों, तो आप वो सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर देंगे। बात क्लियर है? तो देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं कि बोरोन में अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूं, क्या बोला मैंने, अगर बोरोन के कंपाउंड में, बोरोन फैमिली में मैं ऊपर से नीचे मूव करता हूं तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है बच्चों। क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे मूव करने पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, वाई प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम मूव टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे मूव करने पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है बच्चों, उसके बारे में हमें पता करना है बच्चों, ऐसा क्यों होता है। देखिए, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्रॉम गैलियम द डी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आप सभी को पता है कि गैलियम की जब बात आती है तो गैलियम के अंदर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है? एंड ड्यू टू दिस देयर इज पुअर शील्डिंग। वहां पर क्या होती है, वहां पर शील्डिंग पुअर हो जाती है। दैट मीन्स न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने लग जाता है स्ट्रांगली। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं वहां पर, तो डी इलेक्ट्रॉन आने के बाद हमने क्या देखा बच्चों, कि वहां पर शील्डिंग कम हो गई है बच्चों। क्या हो गई है, शील्डिंग कम हो गई है। और शील्डिंग कम हुई तो क्या हुआ, उस न्यूक्लियस जो है हमारा जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियस का इफेक्ट एस ऑर्बिटल तक पड़ने लग जाता है। कहां तक, एस ऑर्बिटल तक पड़ने लग जाता है। सो द एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस। जैसे ही एस ऑर्बिटल तक पड़ रहा है तो ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं बच्चों। कैसे हो जाते हैं, ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाते हैं। बात क्लियर है? सो ड्यू टू दिस, इस वजह से क्या होगा बच्चों, इस वजह से केवल और केवल केवल पी के इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाएंगे, एस के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस ने एस इलेक्ट्रॉन्स को अब पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल जो प्रेजेंट थे उनकी शील्डिंग इफेक्ट कम थी, और शील्डिंग इफेक्ट कम थी तो एस इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने पकड़ लिया है, वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा बच्चों। और इसी को कहा जाता है बच्चों इनर पेयर इफेक्ट। क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हमसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब हो गया बच्चों कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेना, उसको बाहर नहीं जाने देना बच्चों, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? तो आपने क्या देखा कि गैलियम में, उसके बाद इंडियम की मैं बात करूं, इंडियम के बाद में थैलियम की बात करूं, गैलियम और इंडियम में तो बच्चों डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट मैं थैलियम की बात करूं वहां तो एफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है बच्चों। दैट मींस शील्डिंग और कम हो गई, और शील्डिंग और कम हुई तो अब तो एस इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर जा ही नहीं सकते, केवल और केवल एक पी इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल सकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर बच्चों प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। बट मैं अगर बात करूं बोरोन की और एल्यूमिनियम की, तो वहां पर इतना ज्यादा क्या न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वहां पर इजीली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करूं तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कवर करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ओवरऑल ये हो गया कि अगर मैं ऊपर से नीचे मूव करता हूं, बोरोन से अगर मैं थैलियम मूव करता हूं, तो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बट अगर मैं प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। और डिक्रीज क्यों हो रही है आपको पता है बच्चों, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वहां पर शील्डिंग कम हुई है, और शील्डिंग कम होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स तक बढ़ गया है, और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने पकड़ लिया है, तो वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलने देता है। बात क्लियर है? इसलिए ऊपर से नीचे आने पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। बात क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको सारा यहां? सो मैं बात कर रहा था बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, सो इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर नॉट एबल टू फॉर्म बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही बोला बच्चों मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट को क्या बोला था, कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किसकी वजह से, उस न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देंगे बच्चों। बात क्लियर है, बात समझ में आई बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या हुआ। सो ये सब था बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन फैमिली के बारे में, कि ऊपर से नीचे आने पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही थी, और अगर मैं ऊपर से नीचे आने पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो वो डिक्रीज हो रही थी। दैट मीन्स अगर मैं नीचे से ऊपर मूव करूंगा
तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी बट प्लस वन डिक्रीज हो जाएगी। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, चाहे ऊपर से नीचे लेके चाहे नीचे से ऊपर लेके। बात क्लियर है, समझ में आया बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा फंडा? ये फंडा बच्चों हमें याद रखना है। अब हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हमें पता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन। क्या होता है? खुद का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कौन इजीली निकाल देगा बच्चों, बताइए? इलेक्ट्रॉन को बाहर इजीली कौन निकाल सकता है? इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर वो निकाल सकता है बच्चों जहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन कम है। और वो कहां कम होगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है। दैट मीन्स ऊपर वाले जो बोरोन और एल्यूमिनियम है वो अच्छे मेरे क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जबकि नीचे वाले क्या होंगे? वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे बच्चों। बात क्लियर है? तो इस हिसाब से हम रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में है बच्चों? अब मैं बात करता हूं बच्चों नेचर ऑफ कंपाउंड की। जो बोरोन फैमिली के कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या नेचर रखते हैं? वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं या वो आयनिक नेचर के होते हैं? अब उसकी बात करते हैं हम। सो इफ वी टॉक अबाउट बोरोन, वी नो दैट द साइज ऑफ बोरोन इज वेरी स्मॉल। हम जानते हैं बच्चों बोरोन के केस में अगर बात करूं तो बोरोन की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। और साइज बहुत ज्यादा छोटी होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन क्या होगी? बहुत हाई हो जाएगी बच्चों। क्यों हो जाएगी हाई, बताइए बच्चों? हमने पढ़ा हुआ ये, अगर साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, दैट मीन्स उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। और ड्यू टू दिस इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। और इस वजह से वो इतना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है बच्चों। क्या नहीं कर पाता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता है। सो बोरोन क्या कहता है बच्चों? बॉन्ड तो बनाने हैं, तो बोरोन क्या कहता है? भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, अगर कोई मेरे साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। बोरोन ये बोलता है बच्चों। दैट मीन्स अगर कोई दूसरा एटम, कोई दूसरा एलिमेंट बोरोन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो बोरोन इसमें रेडी हो जाता है बच्चों। दैट मीन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, बताइए? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों। और कोवेलेंट बॉन्ड अगर बोरोन बना रहा है तो उसके कंपाउंड कैसे होंगे? उसके कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे बच्चों। बात समझ में आई बच्चों? बोरोन कौन से कंपाउंड बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है बच्चों और आयोनिक कंपाउंड भी बनाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चों? दैट मींस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज पॉसिबल एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो पॉसिबल। एल्यूमिनियम के केस में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी पॉसिबल है और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारी साइज इंक्रीज हो जाती है, और साइज इंक्रीज होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है बच्चों। बात क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकता है। तो एल्यूमिनियम की क्या बात हुई? वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाएगा और आयोनिक कंपाउंड भी बनाएगा। बात क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल। अब मैं बात करता हूं गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की, ये कैसे कंपाउंड बनाते होंगे बच्चों? दे जनरली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। हमारे जो गैलियम होगा, इंडियम होगा, थैलियम होगा, वो जनरली आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे बच्चों। कैसे बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। दैट मीन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर मैं बोरोन फैमिली में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हूं तो हमारे आयोनिक कंपाउंड की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। दैट मीन्स आयोनिक कंपाउंड के बनने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है बच्चों। और इसी चीज को बच्चों अगर मैं एक और चीज से आपको समझाना चाहूं तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, अगर मैं पोलराइजेशन की बात करता हूं, किसकी बच्चों? पोलराइजेशन की बात करता हूं, तो मैं क्या देखते हैं अपन कि ऊपर से नीचे आने पर हमारा जो मेटल है उसकी साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऊपर से नीचे आने पर मेटल की साइज बढ़ रही है। दैट मींस कैटायन की साइज बढ़ रही है, और कैटायन की साइज बढ़ती है तो पोलराइजेशन कम हो जाता है। और पोलराइजेशन कम हो गया बच्चों तो क्या होगा? पोलराइजेशन कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ऊपर से नीचे आने पर, और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ गया तो वो कंपाउंड आयोनिक ही बनाएंगे। इसलिए हमने क्या बोला कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनिक कंपाउंड की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। बात क्लियर है बच्चों? सो आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट और नेचर ऑफ कंपाउंड का समझ में आया होगा। थैंक यू।